नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। रूस यूक्रेन के बीच तीसरे सप्ताह भी युद्ध जारी है। रूस ने आज अपना हमला और तेज कर दिया है और यूक्रेन के कई शहरों पर घातक बमबारी कर रहा है। रूस की सेना अब कीव की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि पश्चिमी यूक्रेनी शहरों इवानो फ्रांकीवस्क और लत्सक में हवाई अड्डों के पास रूस ने आज कई जबरदस्त बम धमाके किए हैं। उधर यूएन का दावा है कि युद्ध के चलते 25 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। दूसरी ओर रूस ने आज से यूक्रेन से रूस तक के लिए दैनिक मानवीय गलियारा खोलने का ऐलान किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार अब हर दिन सुबह 10 बजे तक लोग यूक्रेन से रूस सुरक्षित कॉरिडोर से जा सकेंगे। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मारियुपोल में सुरक्षित कॉरिडोर पर रूस द्वारा हमला करने का आरोप लगाया है। बता दें कि अभी तक 1 लाख लोगों की 2 दिनों में सुरक्षित निकासी हो चुकी है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन रूस युद्ध में शामिल होने के लिए मध्य पूर्व और अन्य जगहों से स्वयंसेवक सेनानियों को लाने की मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार लड़ाकों में इस्लामिक स्टेट समूह से लड़ने वाले लोग शामिल होंगे जो सीरिया युद्ध में लड़ चुके हैं।